हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इनसाइड ऑर्गेनॉन टुडे इस टॉपिक इज सिफलिस सिफलिस क्या होता है सिफलिस इज अ टाइप ऑफ क्रोनिक मियाज्म सो बिफोर डिस्कसिंग सिफलिस हम पहले जान लेते हैं कि क्रोनिक मियाज्म क्या होता है तो किसी भी क्रोनिक डिजीज के पीछे एक सोल रीजन प्रेजेंट रहता है जिसको हम क्रोनिक मियाज्म कहते हैं क्रोनिक मियाज्म तीन टाइप का होता है सोरा सिफलिस साइकोसिस एक हेल्दी ह्यूमन बॉडी में कोई भी अगर फंक्शनल डिस्टरबेंसेस आ जाती है दैट कम्स अंडर सोरा अगर आउटग्रोथ्स का फॉर्मेशन होने लगा ट्यूमर सिस्ट का फॉर्मेशन होने लगा दैट कम्स अंडर साइकोसिस एंड अगर ये डिस्ट्रक्टिव uh, लेवल पे चला गया जैसे गैंग्रीन का फॉर्मेशन होने लगा बोन्स में डिफॉर्मिटीज आने लगी सो दैट कम्स अंडर सिफलिस आज का टॉपिक हमारा सिफिल्स है लेकिन सिफिल्स को समझने से पहले हम पहले देखते हैं कि एक सिफिलिटिक पेशेंट में क्या क्या सिम्टम्स होते हैं या फिर एक सिफिलेटिक पेशेंट अगर आपके क्लिनिक में आता है तो आप कैसे पहचानेंगे कि इसका म्याज सिफलिस है या फिर ये एक सिफिलेटिक पेशेंट है तो जो एक सिफिलटिक पेशेंट होता है वो बहुत डल और स्टूपेड होता है उसको मेंटल एग्जर्शन करना ज़्यादा पसंद नहीं होता तो कोई भी कॉम्प्रिहेंशन वाला काम उससे ईजली नहीं हो पाता है वो बहुत फॉरगेटफुल होता है अपनी चीज़ें भूल जाता है वो बहुत ज़िद्दी होता है उसके फिक्स्ड आइडियाज़ होते हैं और आप उसको रीजन उसके लिए नहीं कर सकते वो किसी भी कीमत पे अपने उस आइडिया से डाइवर्ट नहीं होता है इसका पेशेंट बहुत साइलेंट टाइप का होता है और वो सुसाइड कमिट करने के लिए बहुत प्रोन होता है इसके पेशेंट के जो डिस्चार्जेस होते हैं वो बहुत ऑफेंसिव होते हैं और उन्हें डिस्चार्जेस करने के बाद उन्हें कंप्लेंट्स में एमल्योरेशन होता है इसके कंप्लेंट्स नाइट में एग्रेवेट करते हैं रेस्टलेसनेस से करते करते हैं, हैं होने से एग्रेवेट करते हैं और समर सीजन में एग्रेवेट करते हैं जबकि विंटर सीजन में इन्हें एम्लियो मिलता है इसे कोल्ड फूड खाना पसंद होता है पर एवर्जन होता है मीट के लिए इसकी बॉडी में जो भी डिजीजेस होती है वो अल्सरेशन से कॉज होती हैं या फिर टिश्यू में डिस्ट्रक्शन की वजह से और उसमें से ऑफेंसिव पस का डिस्चार्ज होता है जो कि कंप्लेंट्स को एम्ब्लियोरेट करते हैं इसके पेशेंट की जो स्किन होती है वो ग्रीजी होती है स्वेटी होती है और उस स्वेट से बहुत ऑफेंसिव ओडर आती है जो इरपशन होते हैं इसके पेशेंट के वो क्रस्टी होते हैं और उसमें से पस ऊजआउट करता होता है और जो सिफिलिटिक पेशेंट होता है उसे हेयर फॉल की प्रॉब्लम होती है तो हमने एक ब्रीफ डिस्कशन कर लिया ये कि एक पेशेंट कैसा होता है आप एक सिफिलिटिक पेशेंट अगर आपके क्लिनिक में आता है तो आप उसे कैसे पहचानेंगे अब हम देखते हैं कि सिफिलिस क्या होता है सिफिलिस डेफिनेशन सिफिलिस इज अ वेनरल क्रोनिक मियाजम प्राइमरली मैनिफेस्टेड आउटवर्डली बाई वेनरल कैंकर डेवलप्ड फॉलोइंग एंड इम्प्योर क्वेश्चन इसमें जो वेनरल है इसका मतलब है समथिंग दैट इज रिलेटेड टू सेक्शुअल इंटरकोर्स एंड कैंकर होता है एक पेनलेस अल्सर तो सिफलिस होता है एक क्रोनिक नियाज जिसमें जो प्राइमरी मैनिफेस्टेशन होता है वो एक इम्प्योर क्वेश्चन मतलब इम्प्योर सेक्सुअल इंटरकोस के बाद जब वेनरल मतलब सेक्सुअल इंटरकोस के बाद अगर कोई कैंकर प्रोड्यूस हो जाता है मतलब एक पेनलेस अल्सर का फॉर्मेशन हो जाता है यूजुअली इन द जेनाइटल्स या फिर नियर जेनाइटल्स इसको हम सिफलिस के अंदर देखते हैं ठीक है देख ली कि इसमें सेक्शुअल इंटरकोर्स के बाद जेनाइट पे पेनलेस अल्सर्स का फॉर्मेशन होता है और यूजुअली दे अपीयर बिटवीन सेवेंथ एंड फोर्टींथ डे ऑफ द सेक्सुअल इंटरकोर्स मोस्टली ऑन द मेंबर इंफेक्टेड विद द मियाज्म मतलब मोस्टली ये उस मेंबर में होती है उस पेशेंट में होती है जो कि एक सिफिलिटिक मियाज्म का पेशेंट हो ठीक एट फर्स्ट देयर अपीयर्स अ लिटिल पश्यूल्स विच चेंज इन टू एन इम्प्योर अल्सर विथ रेज बॉर्डर्स पहले तो ये लिटिल पश्यूल्स के फॉर्म में प्रेजेंट रहते हैं लेकिन बाद में ये एक इम्प्योर अल्सर का फॉर्म ले लेते हैं जिसके बॉर्डर्स रेज्ड होते हैं एंड स्टिंग पेन स्टार्टिंग में तो ये पेनलेस थे लेकिन बाद में इसमें स्टिंगिंग पेन डेवलप हो जाता है इफ इट इज नॉट क्योर्ड इट रिमेन्स स्टैंडिंग ऑन द सेम प्लेस ड्यूरिंग मैं लाइफ टाइम एंड ओनली इंक्रीजिंग विदर्स अगर उसको ट्रीट नहीं किया जाता है तो वो उसी तरह जीवन भर के लिए रह जाता है वो और वो साल दर साल बढ़ता रहता है दिखा है ना यहाँ पे इंक्रीजिंग विद ईयर्स द सेकेंडरी सिम्टम के नॉट ब्रेक आउट एज लॉन्ग एज इट एक्सिस्ट तो जो इसके सेकेंडरी सिम्टम्स हैं वो तब तक नहीं आते जब तक ये प्राइमरी मैनिफेस्टेशन या फिर ये अल्सर जो है वो प्रेजेंट रहता है जब तक इसे हटाया ना जाए तब तक ये कोई भी सेकेंडरी मैनिफेस्टेशन या फिर सेकेंडरी सिम्टम नहीं देगा ठीक आगे क्या लिखा है सेकेंडरी मैनिफेस्टेशन ऑफ सिफिलिस वेन द एलोपैथिक फिजिशियन डिस्ट्रॉयज दिस कैंकर

और कोरोडिंग सब्सटेंसेस तो क्या होता है ये रिप्लेस हो जाता है एक मोर पेनफुल से जिसको कहते हैं ब्यूबो और वो हेन करता है सप्यूरेशन मतलब फिर उसमें फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाता है वो फिर सप्यूरेट सप्यूरेशन को स्टार्ट करता है डिस्ट्रॉयज बोन्स एंड टिश्यूज एंड प्रोड्यूस अल्सरेशन एंड बोन के जो इसकी सेकेंडरी मैनिफेस्टेशंस है वो डिस्ट्रॉय करते हैं बोन्स और टिश्यूज को टिश्यूज में ये अल्सरेशन या फिर गैंग्रीन का फॉर्मेशन करता है और बोन्स में ये बोन्स में केरीज कॉज करता है या फिर डिफॉर्मिटीज कॉज करता है तो, तो वीडियो में हमने देखा कि सिर्फ एक सिफिलिटिक पेशेंट के सिम्टम्स क्या होते हैं सिफिलिस की डेफिनेशन हमने देखी फिर हमने देखा कि प्राइमरी मैनिफेस्टेशंस क्या होते हैं सिफ्लिस के और सेकेंडरी मैनिफेस्टेशंस क्या होते हैं सिफ्लिस के यहां पे पेज नंबर लिखा है ये आपको ए के दास की बुक में वन सेवेंटी वन पेज नंबर पे आपको सेकेंडरी मैनिफेस्टेशंस ऑफ सिफलिस मिलेगा उसमें एक सिफलिटिक पेशेंट के सिम्टम्स दिए हुए हैं तो आप उसको वहां से पढ़ सकते हैं आपको कोई भी डाउट हो सिफलिस में तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं अगर मैंने आपको अच्छे से एक्सप्लेन किया हो तो इस वीडियो को लाइक करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा थैंक यू